एक दाल तड़का रेसिपी विदाउट अनियन एंड गार्लिक। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शालू, वेलकम बैक टू माय चैनल शालूज क्लब बुक। आज मैं आपको फटाफट से दाल तड़का सिखा देती हूँ, बिना प्याज लहसुन के आप कैसे बिल्कुल होटल रेस्टोरेंट स्टाइल तड़का घर में बना सकते हैं। तो रोजों में दाल हम सभी बनाते हैं, तूर की दाल भी हम रोज ही बनाते हैं, पर अगर आप इसको थोड़ा सा ट्विस्ट देकर मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी और सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे इसको बनाना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी तूर की दाल। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं आधा कप तूर की दाल ली है। इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे, एक दो बार पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिए ताकि इसके ऊपर कोई गंदगी ना रहे, और उसके बाद में इसको साफ पीने वाले पानी से हम इसमें डालकर इसको हम भीगने के लिए लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो साफ पीने वाला पानी मैंने डाल दिया है, 30 मिनट्स के लिए इसको साइड में रख देते हैं। आधे घंटे में ये दाल फूल जाएगी, थोड़ी सी स्वेल कर जाएगी, तो इसको हम प्रेशर कुक करेंगे। ये दाल देखिए 30 मिनट के बाद में कुछ इस तरह से देखने में लग रही है, थोड़ी सी फूल गई है, तो इसको अब हम प्रेशर कुकर में ट्रांसफर करेंगे। टाइम कॉन्स्टेंट होने की वजह से मैं आपको ये वीडियो जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ ताकि फटाफट से मैं आपको सिखा पाऊँ और ये वीडियो लंबा ना बने। तो ये देखिए, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर और इसमें आधी चम्मच हम नमक भी ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आधी चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा नमक अभी और लगेगा, वो हम बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने ली है आधा कप तूर की दाल, तो हम इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। पानी डालकर ढक्कन लगा देंगे और हाई फ्लेम पर इसमें हम 1 सीटी लेंगे। वैसे तो नॉर्मली दाल जो है 1 सीटी में गल जाती है, 30 मिनट के लिए हमने इसको भिगोया था इसलिए ये बहुत जल्दी ये कुक होकर रेडी होती है, पर अगर आपकी दाल नहीं गलती है, आप इसको रोज में बनाते होंगे, तो आप इसमें 2 सीटी भी हाई फ्लेम पर ले सकते हैं। दाल बहरहाल यहाँ पर हमारी गल कर रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं अच्छे से बॉईल हो चुकी है, तो इसको आप थोड़ा सा ठंडा कर लें। मैंने देखिए दाल को एक बोल में निकाल लिया है, अब इसको हम तड़का लगाएंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं हम दाल तड़का विदाउट अनियन एंड गार्लिक, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। इसमें मैंने घी ऐड किया है लगभग 2 टेबल स्पून, आप घी और बटर का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, 50-50 आप ले सकते हैं। तो घी को अच्छे से हीट हो जाने दें और इसमें आधी चम्मच जीरा ऐड कर दें। जब जीरा भी अच्छे से स्प्लटर हो जाएगा, सिजल हो जाएगा, तो हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च को काटकर ऐड किया है, आप स्लिट करके ऐड कर सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे तो आप हरी मिर्च स्किप कर दें, ना ऐड करें। साथ ही हम इसमें अदरक ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 3 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने काटकर ऐड किया है। अदरक को थोड़ा सा भुन जाने दें और उसमें तब हम ऐड करेंगे टमाटर। एक मीडियम साइज का टमाटर मैंने लिया, लाल लाल टमाटर लें, उसको बिल्कुल छोटा छोटा काटकर ऐड कर दें। फ्लेम को मैंने मीडियम हाई रखा है और मीडियम हाई फ्लेम पर टमाटर को इस तरह से अच्छे से आप तड़के में मिक्स कर लीजिए। अब टमाटर को हमें यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, तो इसके लिए मैं इस पर एक ढक्कन लगा दूंगी और इसको ढककर हम 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। 2 मिनट में क्या होगा, हमारा जो टमाटर है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, साथ ही इसके थोड़े से चंक्स भी दिखेंगे, तो दाल तड़के में बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक बार हम मिक्स करेंगे इसको। तो टमाटर हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉफ्ट हो चुका है, तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर रही हूँ। तो आपको याद होगा मैंने दाल में जब इसको बॉईल किया था तब भी नमक ऐड किया था, तो मैंने बाकी का नमक अब ऐड किया है, लगभग आधी चम्मच ऐड किया है। साथ ही मैंने इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है, आधी चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है मैंने, आधी चम्मच ही मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ, देगी मिर्च ऐड की है ताकि कलर अच्छा आए। तो लाल मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, बच्चों के लिए बना रहे तो लाल मिर्च इसमें आप स्किप कर दें। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये तड़का हमारा फ्रेंड्स बनकर बिल्कुल रेडी है। इसको आप चाहें तो डायरेक्टली दाल के ऊपर डाल सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि दाल को इस तड़के में डाल लें, तो आपके ऊपर है, आपको जैसे सहूलियत हो, आपको जैसे आसानी हो, आप वैसा कर सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी हमारा यहाँ पर दाल तड़का बनकर बिल्कुल रेडी है। तो ये है होम स्टाइल दाल तड़का, तो घर में हम सभी ऐसे ही बनाते हैं, और इस तरह से फ्रेश हरा धनिया डालकर आप इसको फटाफट से सर्व कर सकते हैं। इसको होटल रेस्टोरेंट स्टाइल खुशबू देने के लिए आप इसमें चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, आप इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर सकते हैं। लगभग आधी से 1 चम्मच आप ले लीजिए कसूरी मेथी, उसको हाथों के बीच में थोड़ा सा रब करके आप क्रश करके ऐड कर सकते हैं, तो इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है दाल में। गैस अभी हमारी इस समय जो फ्लेम है वो लो है, और लो फ्लेम पर हमने इसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा कसूरी मेथी, मिक्स करेंगे हम, और आप चाहें तो इसको ढक सकते हैं, 1 मिनट के लिए आप ढक दीजिए ताकि कसूरी मेथी का एरोमा पूरा के पूरा दाल में आ जाए। तो 1 मिनट के बाद में ये देखिए ढक्कन को मैंने हटा दिया है, आपने देखा थोड़ा सा ऑयल भी ऊपर आ गया है, फैट ऊपर आ गया है, तो ये दाल तड़का हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है। तो
तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया टेक्सचर हमारा निकल कर आया है। और घर में अगर आप इस तरह से दाल तड़का बनाते हैं और बिना प्याज लहसुन के बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा बनता है। आप एक बार बनाकर देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा। अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये देखिए मैंने इसको एक बोल में निकाल लिया है। ऊपर से आप चाहें तो इसको हरा धनिया डालकर सर्व कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसको होटल रेस्टोरेंट स्टाइल लुक देना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक पैन ले लें। हम एक तड़का बना रहे हैं फ्रेंड्स, जिसके लिए मैंने एक पैन लिया है। इसमें 1 टेबल स्पून घी ऐड किया है, आप बटर भी ले सकते हैं। और घी को हीट करके इसमें 1/4 चम्मच जीरा, साथ ही 2 पिंच हींग और इसमें 2 से 3 लाल मिर्चें ऐड कर दें। सूखी हुई लाल मिर्चें हैं जो मैंने ऐड की हैं। थोड़ी सी इस पर हम डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जिससे बहुत ही बढ़िया रंग आएगा। तो ये हमारा तड़का बनकर बिल्कुल रेडी है। इसको आप दाल के ऊपर डाल सकते हैं और इससे बहुत ही बढ़िया हमारा लुक निकल कर आएगा दाल तड़के का। थोड़ा सा चाहें तो फ्रेश धनिया भी डाल दें तड़के में, इससे भी बहुत बढ़िया खुशबू आती है। तो यहाँ पर हमारी दाल के लिए तड़का बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। इसको आप फटाफट से दाल पर डाल दीजिए तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया एकदम होटल रेस्टोरेंट स्टाइल लुक इसका आ जाता है। तो आप इसको संडे पर भी बना सकते हैं, जैसे जो लोग जो फैमिलीज में दाल खाई जाती है और उसमें प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी लगती है दाल, साथ ही बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। मेहमान आए हैं तब भी आप इस तरह से बनाकर सर्व कर सकते हैं, या फिर किसी भी स्पेशल ओकेशन पर आप बना सकते हैं। तो आप भी बनाइए ये दाल तड़का घर में, और कैसी लगी रेसिपी मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। इसको आप रोटी के साथ या फिर प्लेन राइस के साथ या फिर जीरा राइस के साथ किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय।